चैनल मैं हूं नेहा एंड यू आर वाचिंग पंजाबी कुड़ी इन नॉर्वे। टॉपिक आपको आज का पता चल ही गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं कुछ और ऐसी चीजों के बारे में दैट वी शुड अवॉइड डूइंग हेयर इन नॉर्वे। लास्ट टू लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपके लिए 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आई थी जो हमें नहीं करने चाहिए नॉर्वे में। और आज के इस वीडियो में हम और कुछ 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे दैट वी शुड अवॉइड डूइंग हेयर इन नॉर्वे। अगर अभी तक आपने वो मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड अवॉइड डूइंग हियर इन नॉर्वे इज नेवर बी लेट। सो पंचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर इन नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वेजियंस जो है दे आर टिपिकली वेरी पंचुअल पीपल एंड दे वैल्यू टाइम एंड कमिटमेंट। सो इफ यू आर इन्वाइटेड टू अ डेट और यू आर इन्वाइटेड टू अ मीटिंग, ट्राई टू अराइव 5 to 10 मिनट्स बिफोर द एस्टिमेटेड टाइम एंड बिकॉज इट इज ऑलवेज गुड टू बी लिटिल बिट अर्ली देन लेट। एंड इंडियंस की हमारी आपको पता ही है कि आदत होती है, अगर किसी ने हमें पार्टी पे इनवाइट किया है 6:30 बजे का टाइम है तो हम 7:30 बजे से पहले तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचेंगे। मैं भी इनमें से एक हूँ, सब इंडियंस की बात नहीं कर रही हूँ बट हाँ कुछ लोग इंडिया में ऐसे होते हैं तो मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन नॉर्वेजियंस पीपल दे बेसिकली आर वेरी पंचुअल पीपल एंड दे वैल्यू टाइम एंड कमिटमेंट। सो इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू मूव हियर इन नॉर्वे तो टाइम के बारे में तो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा इफ यू आर इन्वाइटेड टू अ डेट और मीटिंग और एनी अदर स्पेशल इवेंट। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होता है कि हम लोग टाइम पर पहुंच पाए, तो इन केस बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर रीजन यू आर नॉट एबल टू अराइव ऑन टाइम, यू कैन जस्ट गिव अ मैसेज और एन ईमेल और ट्राई टू कॉल अ पर्सन हु हैज एक्चुअली इनवाइटेड यू। सो इट इज कंसीडर्ड टू बी अ गुड थिंग। सो हियर कम्स अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज वेयरिंग शूज इनसाइड और इनडोर अ नॉर्वेजियंस होम। सो इफ यू आर विजिटिंग नॉर्वे और एंड यू आर स्टेइंग विद सम नॉर्वेजियन फ्रेंड एट देयर हाउस, सो द राइट वे टू एंटर देयर होम इज टू रिमूव योर शूज फर्स्ट। नॉर्वेजियंस दे डू नॉट अप्रिशिएट इफ यू ब्रिंग द डर्ट फ्रॉम द स्ट्रीट्स इनसाइड देयर होम, सो द बेस्ट वे इज टू रिमूव योर शूज और मे बी यू कैन कैरी अ pair of the clean shoes along with you or you can go inside with the clean socks. हाँ जी, तो the last point and the most important point of this video is that assuming everyone in Norway speaks English. तो आज मैं इस टॉपिक पे आपको कुछ और भी चीजें बताऊंगी नॉर्वे के बारे में जो कि आप फेस कर सकते हो अगर आप विजिट नहीं कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे काफी टाइम से रह रहे हो और आप जॉब पाना चाहते हो। तो नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जहां पर नॉर्वेजियन लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती है। तो अगर आप विजिट कर रहे हैं नॉर्वे में और अगर आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर काफी लोग आपको मिल जाएंगे जो कि इंग्लिश समझते हैं तो आप गलत हैं। स्पेशली जो एल्डरली फॉक्स होते हैं और जो हमारे इमिग्रेंट्स होते हैं जो काफी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो आपको जवाब भी नॉर्वेजियन में ही दें। ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रेवलिंग इन अ बस और अगर आपको किसी से रूट पता करना है तो बेस्ट वे इफ यू डू नॉट स्पीक नॉर्वेजियन द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट इज टू कम्युनिकेट बाय शोइंग देम द मैप्स और शोइंग देम व्हाट एक्चुअली यू आर लुकिंग फॉर। सो फॉर्चुनेटली यू नो दैट द टेक्नोलॉजी वर्क्स इन आवर फेवर। सो अगर आप नॉर्वे में विजिट कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको इंग्लिश भाषा को समझ पाएंगे। देयर आर मेनी नॉर्वेजियंस जो कि इंग्लिश को समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नॉर्वेजियंस भी आपको मिलेंगे जो प्रेफर करते हैं कि उनके साथ कम्युनिकेट जो है वो नॉर्वेजियन में ही किया जाए। तो अगर आप नॉर्वे में स्टे कर रहे हैं, अब मैं स्टे की बात करती हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विजिटिंग हियर इन नॉर्वे। तो अगर आप नॉर्वे में स्टे कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स, डेफिनेटली देर आर सम जॉब्स जो आपको इंग्लिश में मिल जाएंगी। इंग्लिश जॉब्स भी यहाँ पर निकलती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर सम रिपोर्टेड जॉब इन अ कंपनी, सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नॉर्वेजियन भाषा में ही उस जॉब को पा सकते हो। तो अगर आपको नॉर्वेजियन आती है, इसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं नॉर्वेजियन के, A1, A2, B1 बिगिनर लेवल होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल होता है, उसके बाद हायर लेवल होता है। तो अगर आप जॉब पाना चाहते हो नॉर्वे में तो सबसे पहली चीज जो आपको फेस करनी पड़ सकती है वो ये है कि आपको नॉर्वेजियन भाषा को सीखना पड़ेगा। अगर आप नॉर्वेजियन में राइट कर सकते हो, अगर आप नॉर्वेजियन अच्छे से समझ सकते हो, अगर आप नॉर्वेजियन में अच्छे से बोल सकते हो तो कोई भी हर्डल नहीं है नॉर्वे में रहने के लिए।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि हमें अगर आप विजिट कर रहे हो तो इंग्लिश में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करिएगा कि आपको आंसर मिल जाएगा. एंड अगर आप यहाँ पर रह रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहली चीज़ आप नॉर्वेजियन लैंग्वेज का प्रयोग करें, आप नॉर्वेजियन लैंग्वेज को सीखें, अच्छे से याद करें. उसके बाद जब आपको लगे कि आप फ्लुएंट हो चुके हो नॉर्वेजियन में, तभी आपको यहाँ पर जॉब सक्सेसफुली आप पा सकते हो. तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट इस वीडियो को लेकर के कि यू आर अज्यूमिंग, डोंट अज्यूम दैट एवरीवन इन नॉर्वे स्पीक्स इंग्लिश. सो ये था आज का वीडियो. तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ थम्स अप. एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड इफ यू ऑलरेडी हैव सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच. एंड मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक टेक केयर, बाय बाय.